हेलो, तुम्हारी खुद की तो कोई इज्जत है नहीं, कम से कम मेरी इज्जत का ही थोड़ा ख्याल कर लेते। मतलब कि ये फटे पुराने कपड़े और ये चप्पल, तुम मेरे दोस्तों से ऐसे मिलोगे क्या? हमें पार्टी में जाना है, कोई लंगर खाने नहीं जा रहे कि कुछ भी पहन के चल लोगे? ऐसे मिलवाऊंगी क्या तुम्हें? यार साक्षी, तुम्हें पता है ना कि अभी मेरी कंडीशन सही नहीं है, अभी मैं लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हूँ, और यार ये चप्पल मैं इसलिए पहन के आया हूँ, जो मेरे पुराने वाले जूते थे वो फट गए। बस करो यार, अपना ये इमोशनल ड्रामा बंद करो। मुझे ना तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बताने में भी शर्म आती है, शर्मिंदगी फील होती है। कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ कि काश मैंने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाया ही ना होता, तुम मुझे मिले ही ना होते। तुम ना एक बार खुद को देखो और मुझे देखो, कहीं से कहीं तक स्टैंडर्ड मैच नहीं होता। जितनी बड़ी पार्टी में जा रहे हैं ना हम लोग, वहाँ के वेटर्स भी ना तुमसे अच्छे कपड़े पहनकर आए होंगे। तुम जैसे ये फटे पुराने कपड़े नहीं पहनकर आ गए होंगे वो भी। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि जब मेरे दोस्त आएंगे तो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊंगी कैसे। साक्षी, मानता हूँ कि अभी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा स्ट्रगल नहीं करूँगा, लेकिन यार अभी के लिए आई नीड योर सपोर्ट। यार भाड़ में जाए सपोर्ट मैं नहीं कर सकती, तुम जैसे फटीचर को सपोर्ट समझ गए तुम। और हाँ, आज के बाद ना हमारा जो ये रिलेशनशिप थे ना, ये भी एंड होता है। दिस रिलेशनशिप इज ओवर नाउ, अंडरस्टैंड? अरे साथी, तू यहाँ पर क्या कर रही है? पार्टी स्टार्ट हो गई है। और ये कौन है? ये ना मेरा ड्राइवर है। अच्छा, अरे मेरे को लगा अपने साथ पता नहीं तू किस फटीचर को लेकर आ गई है। अब चल, हम लेट हो रहे हैं, चलते हैं। चलो चलते हैं। Excuse me, आज हमारा इंटरव्यू था। तुम? साक्षी, ये तो तेरा ड्राइवर था ना? हाँ, जो कि अब सफाई वाला बन चुका है। हाँ यार, इन विचारों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, यही छोटी मोटी जॉब करके अपना गुजारा करते हैं। हाँ सही कहा तुमने, ये लोग ना इन्हीं कामों के लिए बने होते हैं, झूठे बर्तन साफ करने के लिए, नाली साफ करने के लिए, और लोगों के घर में झाड़ू पोछा करने के लिए, क्योंकि इन लोगों पे ना ऐसे ही काम सूट करते हैं। सर, वो आपकी गाड़ी की चाबी रह रही है। अरे वाह, बहुत ही अच्छी कंपनी है, एक गार्ड सफाई वाले को सर बोल रहा है, वाओ। अरे मैम, कोई सफाई करने वाले नहीं है, ये हमारे सर है। क्या सही बोल रहा है? ये ओनर हूँ मैं इस कंपनी का, और हाँ मैं कोई इसका ड्राइवर नहीं था, बल्कि मैं इसका बॉयफ्रेंड था। क्या? हाँ, और थैंक यू साक्षी, मुझे छोड़ने के लिए और मुझे मेरी औकात दिखाने के लिए। अगर तू मुझे छोड़ती नहीं ना, तो शायद मैं इतनी जल्दी इतना सक्सेसफुल नहीं बन पाता। और हाँ थैंक यू मुझे अपना असली चेहरा दिखाने के लिए। यार इससे पहले मैं तुम्हें कुछ और बोलूँ ना, निकल जाओ तुम मेरे ऑफिस से, क्योंकि मैं तुम्हारे मुँह नहीं लगना चाहता। प्रिंस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड दिस जॉब। साक्षी, तुम्हें याद है कुछ साल पहले मैंने भी तुमसे सेम बोला था कि आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर हेल्प, लेकिन तुमने नहीं की। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे तुमने कराया ना मेरे साथ, तुम्हारे साथ बिल्कुल सेम वैसे ही हुआ है। गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस, निकलो यहाँ से।